Hello students, welcome in EBC channel. I hope you all are fine and doing well. In this video, I will explain you the first chapter from NCERT book, that is Reproduction in Organisms of Class 12 and Types of Reproduction and Lifespan of Some Organisms. So let's start our chapter, Reproduction in Organisms. Dear students, you might have heard this word reproduction many times in your earlier classes. You know what is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, that is offspring, similar to itself. यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही दिखने वाले अपनी तरह दिखने वाले यंग वंस या जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं और ऑफस्प्रिंग्स ग्रो होते हैं मैच्योर होते हैं एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ इस तरीके से क्या होता है एक साइकिल बन जाती है बर्थ की ग्रोथ की और डेथ की तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन क्या करता है एक कंटिन्यूटी जो स्पीसीज की होती है उसको मेंटेन रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व its own mechanism to multiply and produce offspring. Organisms' habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. यानी जो organisms के habitat होते हैं उनकी internal physiology होती है और इसके अलावा जितने other factors होते हैं वो सब responsible होते हैं कि कोई भी किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म एंड बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू दैट इट इज ऑफ टू टाइप दैट इज सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल इन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट एंड इन केस ऑफ Sexual reproduction, two parents, that is of opposite sex, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes. Okay, now I would like to give you some information about the lifespan. As you can see that there is the chart in front of you. Here you can see the lifespan of the various organisms. You know, students, what is this lifespan? Dear students, living beings are not immortal. जैसा कि आप सबको पता है कि हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहता है. They can live only for certain time period. यहाँ जितने भी organisms आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब केवल कुछ समय के लिए होते हैं और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है तो जो पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन इसी को हम क्या कहते हैं लाइफ स्पैन कहते हैं हाउएवर जो आपके लाइफ स्पैन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के वो डिफरेंट होते हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं आपके सामने जो चार्ट है उसमें सबका लाइफ स्पैन अलग अलग है और कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ मिनट्स के ही होते हैं वाइल कुछ हंड्रेड ऑफ ईयर्स के होते हैं लाइफ स्पैन जैसे क्रोकोडाइल का होता है वो 60 ईयर्स का होता है टॉर्टोइस का है 100
से 150 ईयर्स का होता है, वहीं अगर आप बटरफ्लाई का देखें तो 1 से 2 वीक्स है, और बैनियन ट्री मोर देन 300 ईयर्स। तो लाइफ स्पैन जो ऑर्गेनिजम्स का होता है आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज एंड बॉडी मास। यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स का, वो आपका उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही बॉडी मास पे डिपेंड करता है। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लाइफ स्पैन लॉन्ग होते हैं, वेयर एज जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, शॉर्ट होता है। अब यहाँ आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्रो है और पैरट सिमिलर साइज के बर्ड होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्रो केवल 15 ईयर्स तक रहता है, लेकिन जो पैरट है पैरट 140 ईयर्स तक रहता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। एंड इसी तरीके से अगर आप मैंगो ट्री को देखें तो उसका लाइफ स्पेन शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू पीपल ट्री। ओके, एंड वट एवर बी द लाइफ स्पेन, आपका लाइफ स्पेन कैसा भी हो, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई, है ना। हर ऑर्गेनिज्म को फिर भी डेथ को फेस करना है। देयर फोर नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, हमेशा के लिए कोई भी नहीं रह सकता, अमर कोई भी नहीं होता है। तो हाउ एवर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ नेचुरल डेथ। जो आपके सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डोंट हैव द नेचुरल डेथ, बिकॉज बिफोर अटेनिंग सच अ डेथ, उस डेथ से पहले क्या होता है कि दे अंडरगो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो एक तरह की सेल डिवीजन होती है। वहाँ वो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल सेल्स को बर्थ देते हैं, एंड पेरेंटल सेल या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डज नॉट डाई नेचुरली। अब जो भी हमने डिस्कशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द की विच मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। जो भी कुछ अभी मैंने आपको बताया, जो भी हमने डिस्कस किया, हम उसके बेस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक की है जो कि मेंटेन करती है कंटिन्यूटी लाइफ की और साथ में कंटिन्यूटी स्पीसीज की इस अर्थ पे। ओके, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इन अ सिंपल टर्म यू कैन से that it is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself, and there are two types of reproduction, that is asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual reproduction, there is involvement of the single parents only. Only one individual is there. So there is no gamete formation, fertilization is also absent. And newly formed individual is the exact copy of its parent. That's why we call them clone. While on the other hand, in case of sexual reproduction, there is involvement of two parents which are from the opposite sex, and there is the production of gametes. And the individuals are not the carbon copies of their parents, hence they are not clones, they can better be called as hybrids. आप उनको hybrids बोल सकते हो, वो clones नहीं होते हैं। And sexual reproduction is found in almost all types of animals from protozoans to mammals. And if we look the modes of asexual reproduction,
So asexual reproduction is common in organisms which have simple organization. It is common in all unicellular organism. Cell division is itself a mode of sexual reproduction, and it is also found in multicellular organisms like fungi, plants, and even in animals. So now I am going to show you one figure of the cell division in the unicellular organism, that is budding in case of yeast and binary fission in case of amoeba. Just have a look. Here you can see the cell division in unicellular organism, budding in yeast. You know what is budding? In this process, the parental animal produces a small projection out of its body, and this projection is called the bud or miniature organism, and further it grows in size and gets separated from the parental body. It then becomes a new individual. An example is in front of you. This you can see in case of yeast and in case of hydra also. Next, I will show you this amoeba. Here you can see this is the binary fission in case of the amoeba. What happens in binary fission? In this process, the parental organism divides in two halves, and each half receives equal genetic material and is able to grow into the new individual. Here you can see the daughter cells are formed. Binary fission may be simple, transverse, or longitudinal. So this is the simple binary fission that you are seeing the case of amoeba. So students, I hope now you are able to understand that what is reproduction, how many types of reproduction are there, and what is life span, and the life span of various organisms. So in this video, this much only. In the next video, we will discuss about some of the vegetative reproduction in plants and many more topics regarding phases of the life cycle. Till then, take care yourself, and don't forget to like, share, and subscribe the channel, and also press the bell icon for the new notification. Thank you.